है ना। तो ये जो रिएक्शन थी, मैंने कल आपको वीडियो दिखाई थी इसके बारे में कि पहले उन्होंने क्या किया था, एक पैकेट लिया था, उस पैकेट में केमिकल को पहले मिलाने से पहले बस रख लिया था, है ना, और रखने के बाद क्या करा था, उसका वेट कर लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी रिएक्शन करवाई तो गैस बनी, वो जिप वाले जो उनकी पॉलिथीन थी उसमें गैस जो है वो जमा हो गई, उसमें उन्होंने वेट देखा था तो पॉइंट कुछ 0.5 ग्राम वेट जो है वो कम हो गया था। क्यों? क्योंकि जो गैस बनी वो जिपर बैग जो रहता है वो पूरी होल्ड नहीं कर पाता, कुछ गैस निकल जाती है ना, इसलिए। नहीं तो अगर हम उस गैस को भी स्टोर कर लें तो वेट चेंज नहीं होने वाला है, जो द्रव्यमान पहले था, वेट और द्रव्यमान में फिर से बोल रहा हूँ फर्क रहता है, मास चेंज नहीं होने वाला है, मास जो पहले था वही मास अभी रहने वाला है ना। लेकिन हम उसको वेइंग स्केल पे नापते हैं तो आप भार भी बोल सकते हो, बहुत हद तक भार भी वही रहता है। तो जय, आप जब तैयार हो जाओ तो बता दीजिएगा, मैं आपकी वीडियो स्पॉटलाइट पे ला दूंगा जिसके कारण से सभी लोग उसको देख पाएंगे, है ना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब जो हम देखने वाले हैं, भैया? हाँ हाँ भैया, हो गया। हो गया, चलो फिर मैं आपकी वीडियो ला लेता हूँ, चालू करो आपकी वीडियो। फ्रंट कैमरा चालू कर लेना, है ना, भैया फ्रंट कैमरा? ठीक फ्रंट कैमरा बोले तो जिससे दिखाने वाले हो, बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा, जिससे भी दिखाने वाले हो चालू कर। भाई, तो बैक कैमरा कैसे दिखाऊं बैक कैमरा चालू नहीं हो रहा, भाई? कहाँ, कैसे होता है? रुक जाओ मैं करवाता हूँ। स्क्रीन पे कुछ नोटिफिकेशन आया होगा ना, अभी फ्रंट कैमरा चल रहा है ना, इसको बैक कर दे, सामने देख ऑप्शन होगा, अनम्यूट कर पहले तो। हाँ हो गया, हाँ 2 मिनट रुकना, सभी को यहाँ पर बेकिंग सोडा दिख रहा होगा ना कटोरे में, ज्यादा ले लिया बेटा, थोड़ा सा कम कर ले। मैं काम करूं क्या? भैया हाँ थोड़ा सा कम कर ले, इतना ज्यादा यूज मत करना। इस बेकिंग सोडे में हम जैसे ही एसिटिक एसिड डालते हैं, मतलब कि सिरका डालते हैं, है ना, हाँ इतना कम कर ले, बस इतना काफी है। सभी को ये दिखाई दे रहा है ना वीडियो, इसका इसकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ तो हाँ ये भैया बेकिंग सोडा लिया हुआ है इसने, इसमें आप जैसे ही सिरका डालेंगे, सिरका दिखा देना पहले कैसे दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल पानी की तरह होता है ना, इसमें कोई चेंज नहीं रहता है, दिखने में पानी कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। तो जैसे हम सिरका डालेंगे तो सिरका डालो, ज्यादा मत डालना, है ना। तो आप देखोगे एक रिएक्शन होगी, है ना, कुछ बबल निकल रहे होंगे, थोड़ा सा और डाल, देखो दिख रहा है ना कुछ फेस आते हुआ, ये जो बबल निकल रहे हैं, बबल फॉर्म हो रहे हैं, ये बबल में होती है गैस जो कि होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बस 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 काफी। ये जो गैस निकल रही है ना, ये बबल फॉर्म हो रहे हैं, जैसे आपने इनो डाला है कभी पानी में, इनो डालते हैं तो कैसे वो झाग जैसा निकलता है, ऐसे ही सेम टू सेम केस अगर आप कोल्ड ड्रिंक को हिलाते हैं उसको ढक्कन में, और कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को खोलते हैं तो किस प्रकार से कैसा झाग निकलता है ना, जैसे जैसे वहां पर जिस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक वगैरह में झाग निकल रहा होता है, उसको हिलाने पर जैसे झाग निकल रहा होता है, या फिर इनो डालने पर, इनो को पानी में डालने पर झाग निकल रहा होता है, सभी के केसेस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कुछ कुछ केसेस में मिक्सचर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जैसे कि इस केस में अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो इस केस में जो है जो बबल निकल रहे हैं उन बबल में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसी इस रिएक्शन को जो है उन्होंने यूज किया था काय में द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझाने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग जितनी मात्रा में इन्होंने एसिटिक एसिड या फिर सिरका उसमें डाला, उसकी मात्रा और जो सोडा था उसकी मात्रा, अगर उसका वेइंग स्केल पर नाप ले लें, आप बोलोगे भैया वो तो बहुत कम मात्रा में था, वो तो स्केल पर दिखाएगा भी नहीं, तो छोटे स्केल भी आते हैं जो कि मिलीग्राम में तक नाप सकते हैं,
है ना, खाने के किचन्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, वो बहुत छोटी क्वांटिटी को भी मेजर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम उसका वेट नाप लेंगे कितनी मात्रा में हमने वो डाला हुआ है, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम एक पॉलिथिन में जो जिपर बैग होते हैं जिसको हम बंद कर सकते हैं, उस पॉलिथिन में अगर हम सिरका और जो हमारा खाने का सोडा है उसको मिला के डाल देंगे और पॉलिथिन को ऊपर से कर देंगे बंद, तो जो बबल निकलेगी वो ट्रैप हो जाएंगे उस पॉलिथिन में, पॉलिथिन में एक बबल जैसा फूल जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे बबल, है ना। तब हम उसका यदि वेट करते हैं तो जो पहले वेट आया था रिएक्शन से पहले, हमने अभिक्रिया करवाने से पहले जो वेट लिया था वो वेट, और जो अभिक्रिया करवाएंगे उसके बाद वाला वेट, उन दोनों वेट को अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो सेम आएगा वो वेट। यहाँ पर ध्यान रहे, मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ, वेट बोल रहा हूँ मैं बार, क्योंकि हम भार उसको जो है वो वेइंग स्केल से उसका वजन नाप रहे है ना, तो वहां पर जो है वो एक्चुअली में वो द्रव्यमान है ना, एक्चुअली में द्रव्यमान है, जिसके बारे में आप सोचोगे कि भैया भार और द्रव्यमान आप बार बार यूज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। भार जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन पृथ्वी के केस में भार और द्रव्यमान लगभग लगभग सेम ही रहेंगे, बिल्कुल पॉइंट का फर्क ज्यादा फर्क नहीं आएगा। कैसे आएगा फर्क, कैसे नहीं आएगा, वो हम थोड़ा सा टाइम लो, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो समझ में आ जाएगा। तो ये द्रव्यमान, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब अभिक्रिया के पहले जितना द्रव्यमान था उतना ही अभिक्रिया के बाद यदि द्रव्यमान, द्रव्यमान रहता ही है, हमेशा ही रहता है। हाँ, इस केस में जो गैस निकल गई, जैसे अभी इन्होंने खुले बर्तन में किया तो वो गैस निकल जाएगी, तो जरूर इसका वेट जो है वो पहले की अपेक्षा कम आएगा, है ना, तो जरूर वेट कम आएगा, लेकिन रियलिटी में जो वेट पहले था वही के वही वेट अभी रहेगा। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान मतलब मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये होगा द्रव्यमान संरक्षण। स्थिर अनुपात के नियम में हमने देखा था, हालांकि मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करवा लूँ क्योंकि गैप हो गया थोड़ा सा। स्थिर अनुपात के नियम में हमने देखा था जो अनुपात होता है जो यौगिक बना रहे होते हैं, जैसे कि पानी, पानी एक यौगिक है H2O, हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है ना, तो हमेशा ही जब भी, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से पानी मिलकर बना हुआ होगा, तो जब भी हाइड्रोजन गैस के दो परमाणु ऑक्सीजन गैस का एक परमाणु से रिएक्ट करेगा तब ही पानी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब क्या, मतलब कि जब भी तत्व आपस में मिलते हैं तो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, हमेशा कोई भी यौगिक जो होगा उसके तत्व आपस में जब मिल रहे होंगे तो एक निश्चित अनुपात में हो रहे होंगे, वो अनुपात कभी भी वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, अलग नहीं होगा। उदाहरण के लिए पानी के केस में जो अनुपात होता है वो 1:8 के अनुपात में होता है। तो ये अनुपात क्या होता है, अनुपात के बारे में आपको समझना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन का एक पार्ट रहेगा, ऑक्सीजन का 8 पार्ट रहेगा। अब वो 8 पार्ट कुछ भी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, टन हो सकता है, या क्विंटल, कुछ भी हो सकता है ना। यदि हम 1 किलोग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हमें 8 किलोग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगी, तब जाके 9 किलोग्राम पानी बनेगा, है ना, 9 किलोग्राम। अब आप बोलोगे भैया पानी को आप किलोग्राम में कैसे नाप रहे हो, नाप सकते हैं, नाप सकते हैं द्रव्यमान, लेकिन हाँ उसके लीटर वाले आयतन में और द्रव्यमान में फर्क होगा, हम द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। अगर पानी का द्रव्यमान ले हम और उसको नाप रहे हैं, पानी के द्रव्यमान को नाप रहे हैं, अगर हमारे पास 9 किलो पानी है तो उसमें 1 किलोग्राम हाइड्रोजन होगी और 8 किलोग्राम क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। सेम केस विद अमोनिया गैस के बारे में बताया हुआ था, जो अमोनिया गैस में अनुपात होता है वो 1:14 का होता है। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3, जिसके बारे में हम पेड़ वाले वाले उसमें बात कर चुके हैं कि पेड़ कैसे नाइट्रोजन का यूज कर रहे होते हैं, अमोनिया का निर्माण कैसे कर रहे होते हैं पेड़, उसका यूज कैसे कर रहे होते हैं अमोनिया का, उस बारे में अपन ने देखा था कि अमोनिया का फॉर्मूला जो होता है वो NH3 होता है, और इसमें जो अनुपात होता है तत्वों का वो होता है 1:14, यानी कि नाइट्रोजन गैस का अगर 1:1 है, नाइट्रोजन गैस का 1 भाग है तो हाइड्रोजन गैस के 14 पार्ट होंगे। मतलब आप समझ रहे हो, यदि 1 ग्राम हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, ग्राम बोल रहा हूँ मैं, 1 ग्राम नाइट्रोजन ले रहे हैं और 14 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो 14 और 1 15 ग्राम क्या बनेगी, अमोनिया गैस बनेगी, है ना। तो जो 15 ग्राम अमोनिया है उसमें भाग निश्चित है, हमेशा ही उतना ही भाग होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। इसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में बात कर चुके थे इन दोनों के बारे में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो जॉन डाल्टन के बारे में बात करने वाले हैं, कि जॉन डाल्टन ने जो है वो उन्होंने कैसे दोनों नियमों को अपनी तरह से व्याख्या करी थी। किसी भी तत्व यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान पर, जॉन डाल्टन के बारे में कहा जाता है 1766 में इंग्लैंड में गरीब जुलाहा परिवार में जन्म होता। कोई बताएगा मुझे जुलाहा क्या होता है, जुलाहा, जुलाहा बहुत बार शब्द आता है, लेकिन जुलाहे का मतलब क्या होता है, किसी को पता है जुलाहा,
क्या इससे पहले आपने जुलाहा शब्द सुना है? हाँ भैया। क्या होता है इसका मतलब? पता नहीं भैया। और कोई जुलाहा? जुलाहा बेसिकली बोला जाता है जो बुनकर होते हैं ना, बुनने वाले, मतलब उदाहरण के लिए जो भेड़ पालते हैं तो उनका जो ऊन निकलता है उसको बुनकर जो है वो कालीन वगैरह बनाते हैं, चादर वगैरह बनाते हैं, तो बुनकर बोलते हैं। बुनकर तो नाम सुना है ना, बुनकर जो बुनने वाला होता है। क्या बुनने वाला हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है, ऊन बुन सकता है, वो जूट बुन सकता है, तो जो भी हो, है ना, ये इनको इनको बोला जाता है बुनकर। तो जुलाहा को बोलते हैं बुनकर। तो जॉन डाल्टन का जन्म जो हुआ था वो जुलाहा परिवार में हुआ था, है ना। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू करी थी, मतलब 12 साल के थे तब से पढ़ा रहे हैं, वाह। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, 19 साल में एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में जॉन डाल्टन कॉलेज में गणित, देखना कॉलेज नहीं पढ़ेंगे इसको, कॉलेज पढ़ेंगे, ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है ना, चंद्रबिंदु भी नहीं है, एक रेप लगी हुई, तो उसको कॉलेज पढ़ेंगे। कॉलेज में गणित, भौतिक एवं रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं। गणित मतलब मैथ, भौतिक मतलब फिजिक्स, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री। पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। मैनचेस्टर एक देश है कि नहीं, लेकिन एक एरिया का नाम है ना, मुझे नहीं मालूम मैनचेस्टर देश है कि नहीं, मेरी गलती है, बिल्कुल बिल्कुल है। लेकिन एक फुटबॉल क्लब होता है ना, एक फुटबॉल क्लब होता है जो बहुत फेमस है, मैनचेस्टर यूनाइटेड, है ना, ये मेरी गलती है, मुझे नहीं मालूम है, मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, देश है कि नहीं है। वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोधकार में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो अभी तक ये बात तो थी, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम के बारे में बहुत सारी बातें बता दी थी, जिसके बारे में अपन ने ऊपर देखा थी। जॉन डाल्टन ने इसको जो है वो परमाणु का स्वरूप दे दिया, परमाणु के साथ संयोजित कर दिया, परमाणु के साथ जोड़ दिया। तो वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायन जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया, है ना, आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिससे मैं थोड़ा सा यहाँ पर जिसे उस समय का दार्शनिकता का माना जाता है। ग्रीक वैज्ञानिक, ग्रीक मतलब एक एरिया का नाम है, ग्रीक जिसको आज की कंट्री का नाम है ग्रीस, पहले ग्रीक बोलते थे, वहाँ एक बड़ी कंट्री थी ग्रीस, अब जो है वो छोटी छोटी कंट्री में डिवाइड हो गई, तो ग्रीक मतलब ग्रीस, अभी वर्तमान में ग्रीस देश का नाम है ना, जैसे अभी जो है वो बांग्लादेश बाद में बना, ऐसे ग्रीक के जो है वो उस टाइम उस एरिया के लोगों को बोला जाता था। तो ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत कौन से डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था, रासायनिक उसके आधार पर आधारित था, यहाँ दिख रहा है ना आपको, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमने दो नियम पढ़े ना अभी, वही है रासायनिक सिद्धांत, रासायनिक संयोजन के नियम, और कुछ नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इन दोनों को मिला जुला कर रासायनिक संयोजन के नियम बोला जाता है ना, ये दो ही नियम थे रासायनिक संयोजन के नियम। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं स्थिर अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की, है ना, उन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया। तो सबसे पहले डाल्टन का ही परमाणु सिद्धांत आया था, उन्होंने परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, यहाँ पर एक बात फिर से गौर करने वाली बात है, यहाँ पर जो नाम लिया हुआ है वो द्रव नाम लिया हुआ है, भाई क्या है ये, यहाँ पर द्रव्य बोला हुआ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, द्रव और द्रव्य में बहुत फर्क है। यहाँ पर द्रव्य का मतलब हो जाता है पदार्थ, है ना, यहाँ पर द्रव्य मतलब हो जाता है पदार्थ, तो उसको ध्यान रखेंगे इस बात को। द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिक्सचर हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु, है ना। तो डाल्टन ने जो है सबसे पहले जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं अपन ये परमाणु के बारे में युक्ति संगत व्याख्या की। इसके पहले ग्रीक लोग मानते थे, उन्होंने भी परमाणु बोला हुआ था, लेकिन परमाणु की युक्ति संगत व्याख्या किसने करी, डाल्टन ने करी। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से
कर सकते हैं। पहला, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब देखना, डाल्टन ने कुछ नहीं करा अभी तक, जो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, अभी तक जो अपन ने पढ़ा बस उसी को जो है उन्होंने तरीके से बता दिया। याद रखें, विज्ञान की परिभाषा बोलती है साइंस इज नथिंग बट ए सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग, है ना। विज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, बस जो ऑलरेडी बिखरा हुआ है ना उसको इकट्ठा करके जमा कर, हिंदी में बोले यदि इसी चीज को तो हिंदी में, जैसे मैंने इंग्लिश में बोला साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग, यदि हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो विज्ञान कुछ भी नहीं है, बस चीजों का क्रमबद्ध ज्ञान है। क्रमबद्ध ज्ञान को बोलते हैं विज्ञान, है ना। मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जमा दिया गया है उस नॉलेज को, उसको बोलते हैं विज्ञान। अब कई बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, भैया विज्ञान शुरू कहाँ से हुआ, मतलब कभी तो शुरू हुआ होगा। विज्ञान तो ऐसी चीज है कि जब से दुनिया बनी है तब से विज्ञान चल रहा है ना। लोगों ने क्या करा, उनके पास आस पास जो नॉलेज बना हुआ है उसको एक क्रमबद्ध तरीके से प्रेजेंट किया, वो अपने आप में विज्ञान है, है ना। विज्ञान में सारी चीजें जाती हैं। अब उसमें आप चाहो तो साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान जोड़ दो, चाहे कि आप जो है वो केमिस्ट्री जोड़ दो या फिजिक्स बायोलॉजी, जो जोड़ना हो आपको वो जोड़ दो, है ना। तो क्रमबद्ध ज्ञान, एक जमा हुआ ज्ञान, एक तरीके से जमाया हुआ, उसको बोलते हैं विज्ञान। आज मैंने विज्ञान की डेफिनेशन सुनाई आपको, है ना। साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग, सिस्टमेटिक मतलब कि तरीके से जमाया हुआ ज्ञान है, तरीके से बताया हुआ ज्ञान है। तो उसके हिसाब से इन्होंने क्या करा, डाल्टन ने, जो अभी तक लोग बाग जो बिखरे हुए थे बात, कोई बोल रहा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कोई स्थिर अनुपात का नियम, कोई परमाणु के बारे में व्याख्या कर रहा था, डाल्टन ने सबका कंक्लूजन बता दिया, निष्कर्ष बता दिया कि भैया ये 6 पॉइंट है, अभी तक जो नॉलेज है वो इस पर आधारित है, इस बारे में जो है वो हमको ज्ञात हुआ है। वो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं, और इससे कैसे कैसे व्याख्या होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम की, वो देखते हैं। सभी द्रव्य मतलब यहाँ पर फिर से हो जाता है, क्या हो जाता है, सब यहाँ पर द्रव्य मतलब हो जाता है फिर से पदार्थ, है ना। सभी पदार्थ परमाणु, यहाँ पर द्रव की जगह आप पदार्थ भी यूज कर सकते हो, सभी पदार्थ परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इन्होंने, अपन भी जानते हैं ना ये चीज, कोई भी चीज को तोड़ोगे तो परमाणु से मिलकर बना हुआ रहता है ना। बस एक लाइन इन्होंने क्या जोड़ दी, सभी पदार्थ परमाणु से तो निर्मित होते ही हैं, इन्होंने एक लाइन और जोड़ दी जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है और उसमें भाग कौन लेता है, परमाणु लेते हैं, जो उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु हैं वो भाग ले रहे होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। दूसरा बोला उन्होंने, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अविभाज्य मतलब कि जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। ये लाइन कहीं सुनी हुई लग रही है, ना तो कहीं सृजन होता है ना ही उनका विनाश संभव होता है। कहाँ सुना है आप लोगों ने, कौन से नियम में सुनी है, ना तो उसको सृजित किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। नहीं सुना, इसके पहले वाले पेज पर जाओ, अभी भी किसी को याद नहीं आया। देखो यहाँ पर क्या लिखा, भैया द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, हाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। वही डाल्टन ने भी बोल दिया। डाल्टन ने क्या बोल दिया, डाल्टन ने इसी चीज को थोड़ा सा अलग करके बोल दिया, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जिसको रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित किया जा सकता है ना ही उनका विनाश संभव है। मतलब इस वाले पॉइंट से डाल्टन ने क्या बोल दिया, डाल्टन ने परमाणु के द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिभाषित कर दिया, परमाणु के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिभाषित कर दिया। कुछ भी नया नहीं बोला उन्होंने, बोला सब पुराना ही है, है ना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को उन्होंने क्या बोल दिया, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जिसको रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित किया जा सकता है और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, सृजित किसको बोलते हैं और विनाश मतलब क्या होता है। विनाश तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे, डिस्ट्रॉय करना, है ना। सृजित करना होता है मतलब बनाना, नया बनाना। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग सोचिएगा, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ये जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु नियम में बताया। फिर उसके बाद, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यदि हम कोई एक पदार्थ ले लें,
कोई भी एक पदार्थ ले लें, यदि हम मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने पानी ले लिया, तो पानी में उपस्थित सभी परमाणुओं का द्रव्यमान, जितने भी परमाणु मौजूद होंगे पानी में, परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान उनका किलोग्राम में, उनका जितने भी सामान भरा हुआ है उसके अंदर, जितना भी पदार्थ भरा हुआ है, उन परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब उदाहरण के लिए अब देखो यहाँ पर इस वाले पॉइंट का मतलब क्या निकल रहा है, जो अपने पास पानी होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ऐसा तो नहीं है कि दो परमाणु ही होंगे केवल, ये तीन परमाणु ही होंगे। अगर आप एक गिलास पानी भी ले रहे हो ना, तो उसमें करोड़ों परमाणु मौजूद है। जी हाँ, करोड़ों, है ना, करोड़ों, और मैं भी हो सकता हूँ कम बोल रहा हूँ, अरबों हो सकते हैं, अरबों परमाणु हो सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक गिलास पानी में, है ना, इतने सारे परमाणु होंगे ना। लेकिन उसमें खासियत क्या होगी, जितने भी हाइड्रोजन के परमाणु होंगे उन करोड़ों अरबों परमाणुओं में, जितने भी हाइड्रोजन के परमाणु होंगे वो सबका द्रव्यमान सेम होगा, सभी का द्रव्यमान सेम होगा। और ऐसे ही अगर ऑक्सीजन के देखूंगा मैं, तो उस पदार्थ में उपस्थित सारे ऑक्सीजन परमाणुओं का द्रव्यमान बिल्कुल सेम होगा। बस ये पॉइंट वही बोल रहा है कि एक पदार्थ में उपस्थित सभी पदार्थों का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म, और साथ साथ रासायनिक गुणधर्म दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही समान होंगे। द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म दोनों ही कैसे होंगे, समान होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। अब ये भी पॉइंट देखना, इसी का जस्ट अपोजिट है। मैंने बोल दिया कि एक एक तत्व में, एक पदार्थ में उपस्थित सारे परमाणुओं का द्रव्यमान समान होगा। अगर मैं एक साइड पानी ले लूं और एक साइड रेत ले लूं, दोनों अलग अलग पदार्थ होगा, तो क्या जो रेत में परमाणु हैं वो पानी के परमाणु से मिलेंगे, सेम होंगे क्या? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों पदार्थ अलग अलग हैं। तो केवल अगर मैं पानी की बात करूं, तो पानी में उपस्थित सारे परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अपने आप में जो है वो एक समान होंगे। लेकिन अगर मैं दूसरे तत्व के, दूसरे पदार्थ की बात करूं, रेत और पानी की तुलना करूं, तो दोनों अलग अलग होंगे। रेत के परमाणु और पानी के परमाणु सेम कैसे हो सकते, नहीं हो सकते ना। बस यही इन्होंने दूसरे पॉइंट में बोला हुआ है, कुछ भी अलग नहीं बोला हुआ है। पांचवा और छठवा जो है वो स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। देखते हैं कैसे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी और पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। एक बात याद रहे आपको हमेशा, है ना, सबसे पहले जो बनता है, सबसे पहले होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसको तो भूलना ही मत आप, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पूरे नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, यहां पर स्पेस होगा क्या, मुझे स्पेस अंदर, ये देखो यहाँ पर लिख देता हूँ। कोई भी चीज के अगर हम अंदर घुसते जाएं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर हम पानी की बात करें, पानी को यदि मैं पास से देखूंगा, जूम करके देखूंगा, तो मुझे जो है पानी को जूम करके देखूंगा तो मुझे मिलेंगे अणु, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। कैसे दिखेंगे ये, H2O के रूप में दिखेंगे, हाइड्रोजन के दो एटम दिखेंगे और पानी के ऐसे 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 दिखेंगे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रहेगा बीच में, ऐसे ऐसे अणु दिखेंगे। अणु के अंदर घुस जाऊंगा तो मुझे दिखेंगे परमाणु, परमाणु वो परमाणु क्या होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग दिखेंगे मेरे को, परमाणु दो तत्वों के परमाणु होंगे इसमें मौजूद, एक तो हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, दो के परमाणु दिखेंगे। और यदि उसके अंदर भी घुस जाऊं, परमाणु के अंदर भी घुस जाऊं, तो उसके अंदर दिखेंगे मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शा दिया, प्रोटॉन को पी से, और न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं और उसके ऊपर जीरो लिखते हैं, है ना। तो सबसे छोटे जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद कौन आता है, परमाणु आते हैं। परमाणु को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय ये सच्चाई है, उसको एटम बोलते हैं। परमाणु से बड़े कौन होते हैं, अणु होते हैं, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा, इसको अणु को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और अणु के बाद जो बनता है वो बनता है पदार्थ, है ना, जो कि यहाँ पर बना हुआ पानी, जिसको हम मैटर भी बोलते हैं, पदार्थ भी बोलते हैं। तो राइटिंग पे ध्यान ना दें, माउस से लिखते नहीं बन रहा है मुझसे, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है, इसको आपको दिमाग में रखना है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सबसे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उससे बड़े परमाणु यानी कि एटम, परमाणु से बड़े जो है वो अणु होते हैं, अणु मिलके क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। तो यहाँ पर ये यही बोल रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, अलग अलग तत्व है ना, उन तत्वों के परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में संयोग करके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। बीच में उन्होंने अणु नहीं बताया हुआ है, इस चैप्टर में पढ़ाएंगे अणु के बारे में। यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और एक किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे कि पानी का निर्माण किया हुआ है,
है ना। तो आई होप आपको ये वाली बात को आपको दिमाग में रखने में थोड़ी सी सहूलियत होगी। आप लोग के नेट स्लो चल रहे हैं क्या, बच्चे बीच बीच में जा रहे हैं। तो ये चीज यही बोल रहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी और पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में संयोग करके क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु से क्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे, है ना। तो ये सब तत्वों के परमाणु है कि नहीं, कार्बन परमाणु हो गया, ऑक्सीजन परमाणु हो गया, ये सब आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं, है ना। किसी भी अगर यौगिक की बात करें, कोई भी यौगिक उठा लें जैसे पानी की बात करें, तो उसमें जो परमाणु की संख्या होगी, परमाणु की संख्या और जो प्रकार होगा, उस परमाणु का प्रकार और उसकी संख्या, वो दोनों निश्चित होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये दोनों आखिरी के जो पॉइंट है, ओ भाई ये कौन सा आ गया, ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट जो है वो स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करते हैं। डाल्टन ने जो ये वाले परमाणु, ये वाले जो बात कही थी, ये दोनों पॉइंट जो है वो स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करते हैं। जबकि ये स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जबकि जो ऊपर ये वाला पॉइंट है जिसको हम ये वाला बोल रहे हैं, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, ना ही उनका विनाश किया जा सकता है, ना ही उनको सृजित किया जा सकता है, ये वाला पॉइंट जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। तो मतलब फिर से वही बात क्या हो गई, बात वही हो गई, जॉन डाल्टन ने कुछ भी नहीं करा, उनके टाइम तक जो भी चीजें ज्ञात थी उन्होंने उसको सिस्टमेटिक तरीके से जमा दिया, और वही विज्ञान कहलाता है ना। विज्ञान में यही किया जाता है, सभी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से जमा दिया जाता है। तो उन्होंने भी इसको जमा दिया, और यहाँ पर जो है उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम की भी व्याख्या कर दी। उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम की भी व्याख्या कर दी इस समय तक। तो ये है जॉन डाल्टन का नियम। आई होप आपको समझ में आया होगा जॉन डाल्टन का नियम क्या था। जॉन डाल्टन ने जो है सबसे पहले तो बताया कि परमाणु सूक्ष्म, देखो आज अगर ये वाला आपको यही याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको जो है वो इसके बारे में सोचने को थोड़ी सी जानकारी होगी, सोचने के लिए थोड़ा सा मेटा मिलेगा कि जॉन डाल्टन ने ये बात कही थी, छह बातें कही थी केवल, है ना। पहले, सभी द्रव्यमाणु परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी द्रव की जगह आप पदार्थ बोल सकते हो, है ना, इसको जनरल वे में याद नहीं कुछ। पहला पॉइंट क्या, जॉन डाल्टन ने बोला कि सभी पदार्थ एक बहुत सारे परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि किसमें भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला, परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है, दूसरा पॉइंट भी होगा। तीसरा, दिए गए तत्व के सभी परमाणु, दिए गए एक तत्व के, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु ले लिए तो हाइड्रोजन के परमाणु सभी जगह सेम जैसे होंगे, है ना। दिए गए एक तत्व के में उपस्थित सभी परमाणु जो होंगे वो कैसे होंगे, द्रव्यमान भी समान होगा और उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। और भिन्न भिन्न तत्वों के, अगर दो अलग अलग तत्वों की बात करूं मैं, दो अलग अलग पदार्थों की बात करूं, तो वो दो अलग अलग पदार्थों में जो परमाणु होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। दो अलग अलग तत्वों की बात कर लूं केवल, तो दो अलग अलग तत्वों में उपस्थित जो परमाणु होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। चौथा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो है वो अलग अलग होंगे, तो वो एक तत्व में उपस्थित समान होंगे, दो अलग अलग तत्वों में जो है वो परमाणु के जो शेप होगा वो भी अलग होगा, मास होगा वो भी अलग होगा, जो उनके रासायनिक गुणधर्म होंगे वो भी समान होंगे। मतलब हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों अलग अलग हैं, है ना, दोनों की बातें अलग होना चाहिए, इसका सब कुछ अलग होगा, इसका सब कुछ अलग होगा। हाँ, ये दोनों आपस में मिलेंगे, जो कि आगे बताया हुआ है पांचवें नियम में, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु ये जब आपस में मिल जाएंगे और एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तब एक यौगिक का निर्माण करेंगे, है ना। तो वही लिखा हुआ है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। और आखिरी में एक लिख दिया है, किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और प्रकार जो है वो निश्चित होते हैं, जो कि ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं, स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से अपन इसको बिना देखे रिवाइज करेंगे, आपको आज ही याद हो जाएगा ये जॉल्डर ने क्या क्या बोला। उसके लिए आपको एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, एक बार फिर से ज्वाइन करिए सभी लोग, आज फुल क्लास है आपकी, एक बार फिर से ज्वाइन करिए।